ऐसे ऐसे मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। ना ना, ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है। अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले, ये ले बोतल। ना मेरा बच्चा, सुनो जी। हा? इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? कहां, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अच्छा, अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। फिर बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। कैसे? बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू से चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं है? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाएं उड़ रही हैं। अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। बेटा सब ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है। हाँ। जरा भी कल नहीं बढ़ती। हींग, चूरन, पीपरमेंट सब तो दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते तो। बस बेटा बस, हम हैं ना तेरे पास, हम कहीं नहीं जाएंगे। बस अरे मैं उठाता हूँ। हेलो जी, ये 4-3-3-3-2 है जी। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है जी। नहीं खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है बस जी। नहीं नहीं, गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है बस जी, ऐसे ऐसे होता है बस जी, ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता जी। जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है जी। नहीं दस्त तो नहीं आया जी। हाँ पेशाब तो आया था जी। नहीं रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है, धन्यवाद। सुनो डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। चलो बेटा बस हिम्मत रखो, शाबाश मेरा बच्चा। हाय हाय, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। अरे दीनानाथ जी आप आइए आइए आइए। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन, बड़ा नटखट है। पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ को तो ये कुछ समझता नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। ओह, अरे क्या है बेटा? अरे रे, क्या हुआ? ओह, बड़े जोर
ऐसे 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 होता है, ऐसे ऐसे। ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? ऐसे ऐसे। अरे लोग, बस बेटा, वैद्य जी भी आ गए। आइए आइए वैद्य जी आइए। कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। जयराम जी की वैद्य जी। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकली करने को नहीं बची क्या? नमस्कार वैद्य जी, देखिए ना क्या हो गया है। वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है। समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता। जी, जी। नाड़ी दिखा बेटा। वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट दिखाओ बेटा जरा। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। जी। क्यों बेटा, ऐसे ऐसे होता है? हा? जी हाँ। बस बस बेटा बस। मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है। जी। पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। हा? समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी। जी हाँ आया जी। आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ जी वे जी। आधे आधे घंटे बाद गरम पानी से देनी है। जी ठीक। दो तीन दस्त होंगे बस जी। फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वैद्य जी, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूं। आइए वैद्य जी, ये आपकी भेंट। अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? नहीं नहीं, आप रखिए ना इसे। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। अरे डॉक्टर साहब आप आइए आइए, आप ही की प्रतीक्षा थी, अंदर आइए। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। हेलो मोहन, क्या बात है बेटा, ये ऐसे ऐसे क्या कर लिया? डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। देखिए ना डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या हो गया है मेरे बच्चे को। लाओ बेटा मैं तुम्हारा पेट देखता हूँ। अभी देखता हूँ। बेटा जीभ दिखाना जरा। हाँ तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है ये ऐसे ऐसे? बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझाओ क्या हुआ। जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाँ। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। वो तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। जी। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कोलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। फोड़ा? फोड़ा? जी नहीं, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहन बेटे जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ, क्यों ना आप ही चली। हाँ हाँ जी जरूर। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी के अटन है। जी डॉक्टर साहब, हमारा मोहन ठीक तो हो जाएगा ना? जी बिल्कुल। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे हाँ, अपनी फीस तो लेते जाइए। जी शुक्रिया। सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। जी अच्छा। चलिए डॉक्टर साहब मैं आपके साथ चलता हूँ। आइए। क्यों मोहन की माँ? आओ जी रामू की काकी। अरे कैसा है मोहन? कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है। आए हाय जाने वो ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना ये भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वो बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं,
डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। अच्छा, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। मोहन, मोहन। ओह, मोहन के मास्टर जी हैं। अच्छा तो बहन, मैं चलती हूँ। ठीक है बहन, भगवान से प्रार्थना करना। हाँ हाँ, जरूर। नमस्ते। आ जाइए मास्टर जी। नमस्ते। हाँ नमस्ते, नमस्ते। सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। अब माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है जी। हाँ, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अच्छा? अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वो हो जाती है। सच? जी हाँ। क्या बीमारी है ये? अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना। पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? बोलो बोलो, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? हाँ बोलो बेटा। जी सब नहीं हुआ। शायद सवाल रह गए हैं जी। तो ये बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है क्या? जी वो कुछ नहीं माता जी, कि स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। हाँ, सच? बिल्कुल, आप उसमें काम पूरा करेंगे और ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। अब उठकर सवाज, उठिए, खाना मिलेगा। जी। दवा तो मिल गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। देखा जी आपने? क्या क्या हुआ? क्या क्या होता, ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। है? हाँ। वाह मोहन वाह। अरे वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब चकाया है।